सत श्रीकाल जी, बॉली हॉली बाबा चैनल देख रहे सारे दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता। दोस्तों, जिवें आप जानते हैं कि भारत में महंगाई ने आम बंदे का लक तोड़ रख्या, दिन प्रति दिन महंगाई वधदी जांदी। जेकर आप तेल की गल करिए, डीजल पेट्रोल की गल करिए, 100 तक यह अंकड़ा पहुँच चुकया लगभग। तो हुण दोस्तों, एक वीडियो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा वायरल हो रही आ कि हुण जो साडे किसान वीर आ जां आम परिवार आ जो दुध वेचदे आ, उन्होंने भी ऐलान करता कि असी भी हुण जिहड़ा दुध आ उह 100 रुपए नूं देवांगे। तो एक दोधी वीर जो दुध लैण गया तो उसनों बेरंग मुड़ना पिया खाली ड्रम लैके। सो आओ आप सब तो पहला पूरी वीडियो देख लें। इहनूं क्या अगले 110 रुपए कह दे भाजी। तुहाडा नाम? नाम जितेंद्र है। जीतू पिंड कड़ा जी थोड़ा? हठ जी। हठ जी, इस टाइम कड़े पिंड खड़े हो जी? नौ जी। नौ जी, ये सरदार जी कड़ा पिंड थोड़ा? नौ जी पिंड है। इस टाइम आप नौ जी खड़े हैं। नौ जी, ये भाई साहब दुध का काम करते हैं जी। ये भाई साहब नूं अज दुध नहीं मिलिया भाजी, की कारण दस रहे ने लोग दुध नहीं मिलिया? भाजी लोग कहते भी 100 रुपए किलो दुध मिलेगा पिंड के विचों। तुहानू की लगता, तुहानू किन्ना टाइम हो गया दुध का काम करते? 17 साल हो गए भी। जो दुध का रेट पिंड वाले नूं मिल रहा है वाजिब है, या जो हुण मंग रहे वो वाजिब है? टैंकियां खाली ने बिलकुल, दिखायो सर। देखो साहब, टैंकियां बिल्कुल खाली ने भाजी, खाली हाथ जा रहे हैं। जो लोगों के घर दुध पहुँचना सी अज नहीं पहुँचूगा। चलो जी, ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, जिवें तुसीं इह वीडियो देखी जिस विच उस दुध वाले वीर ने कहा कि मैं पिंड गया सी पर मैनूं किसी ने भी दुध नहीं पाया, क्योंकि सारे ये कह रहे हैं कि जेकर इन्नी महंगाई वध चुकी है, तेल डीजल पेट्रोल का ये रेट आ, तो असी भी दुध हुण 100 रुपए तो घट नहीं देना। सो दोस्तों, जिस तरह महंगाई वध रही है, तुहाडा की ख्याल आ कि दुध के रेट भी फिर इन्ने होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तुसीं कमेंटां विच अपनी राय जरूर दिओ, ते इस वीडियो नूं लाइक जरूर करो, इस वीडियो नूं नाल दी नाल वध तों वध शेयर भी कर दिओ। होर ताज़ा अपडेट्स लिए अपने चैनल में जरूर सबसक्राइब कर लो, तो आ रहे बैल के बटन पर क्लिक कर दो, जो अपनी हर एक वीडियो तुहाडे तक सब तो पहला पहुँच सके। सो जी, इन्हें शब्दों ना लैनिया जाए, तो मिलते हैं किसी होर वीडियो नाल। सत श्री अकाल जी।